से कुछ झरने वाला लुक बनाया था, अभी तो वो कुछ काम कर रहे हैं। ये जो सामने है ये मेन रोड पे बना हुआ है और ये बन गाइस ये है मुंबई का पेशवा का एंट्रेंस है। तो गाइस बहुत ही लंबी लाइन है, तो ऐसे बहुत सी मूर्तियां हैं जो कि पेपर की है। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में एंड थैंक यू सो मच 1K यूट्यूब पे हमारी फैमिली बन चुकी है 1K सब्सक्राइबर की, उसके लिए बहुत 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 दिल से थैंक्स आप सभी को। ऐसे ही प्यार बनाए रखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। सो आज हम लोग जा रहे हैं विले पार्ला की कुछ गणपतियाँ देखने, और यूनिक बात यह है क्योंकि कुछ गणपतियाँ हैं जो पेपर की है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते इस व्लॉग को। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड गणपति बप्पा मोरिया। चलो स्टार्ट करते इस व्लॉग को। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं अपना पहला गणपति देखने जो कि है पार्ला का पेशवा, विले पार्ला ईस्ट में आए। तो चलो करते बप्पा का दर्शन। और इस बार की मूर्ति ना बहुत ही प्यारी है और बाकी सारी चीज़ें ना आपको पता चलेगा फ्रॉम। सो लेट्स गो गाइस। ये है मुंबई का पेशवा का एंट्रेंस है, मतलब साइबर कैम्प के ऊपर ही शायद कुछ होगा। तो चलो चलते हैं अंदर। इसलिए हम लोग ने पास क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एंट्री करने जा रहे हैं। ये ट्रॉफी देखो, इतनी सारी ट्रॉफियाँ इन लोगों ने जीती है। बाकी लाइन कितना पास है, सब पास है। छत्रपति शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमी आणि शाहू आंबेडकर यांच्या विचारांनी फुललेल्या नगरी बाळ गोपाळ मित्र मंडळ म्हणजेच मुंबईचा पेशवा आणि मंगल रॉयल ज्वेल्स आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे। साइबर क्राइम का अंधेरा कायम रहे और आप सब लालची इसमें फंसते रहे। क्राइम की एक लेटेस्ट दुनिया जिसमें तेज दिमाग इसको लगी कैसे लगी? हमें तो बोली के बेची की 25 लाख किलो फिर लगती है। नहीं नहीं, तेरी तो निकल पड़ी। लेकिन ये स्कैम भी हो सकता है। हाँ, एक तो जा रही है सुबह सुबह पनवती मच तो जा रहे बाबा जा जा जा। हेलो मी बाबूराव बोल गई आगा। हेलो हुआ ना उसी दिन का मेरा जन्म। ओटीपी नहीं आएगा क्या? नहीं, आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर काफी है, सिर्फ एक स्कैन आएगा। रकम ज्यादा है इसलिए आपको कुछ रकम भरनी होगी। हेलो अंशुमन बोल रहे बाबा, कहने मेरे बच्चे। हेलो अंशुमन जी, नमस्ते। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो अवार्ड अंशुमन। ये सारी राक्षस को आप कैसे हर रोज अपने लालच का अमृत पिला रहे हैं और कैसे उसकी जाल में फंस रहे हैं? अभी आपको तय करना है कि बाबूराव जैसे फंसना है या अंशुमन जैसे खुद को बचाना है। लालच बुरी बला है ये तो बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं, पर यहाँ तो एक लालच के लिए जाल बिछाता है और दूसरा उसमें फंस जाता है। मूर्ति कागज की है, पूरी मूर्ति और डिटेलिंग देखो। दादा
गाइस मैसेज देखा आप लोग ने कि साइबर क्राइम के ऊपर मैसेज था, उतना खास लगा नहीं, बट हाँ एक चीज़ था कि साइबर क्राइम के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया था। सो मज़ा तो आया। आप ले पाला अच्छा एक धंधे देखने, तो लेट्स गो। बहुत ही प्यारी थी और लाइटिंग भी बहुत प्यारी है। देखो सो चलो अब चलते आगे और देखते हैं अभी कौन सी मूर्ति देखने मिलती है। एक और मूर्ति है जो कागज की है, सो अभी उधर ही चलते हैं। हम लोग पहुंचे अपनी तीसरी गणपति के पास और ये डेकोरेशन देख रहे हो, ये जो सामने है ये मेन रोड पे बना हुआ है और ये बना हुआ है स्कूल। और डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है, एकदम बोलते ना एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा। एक टाइम पे मैं भी धोखा खा गया। सो चलो अब चलते अंदर एंड गणपति बप्पा मोरिया। गणपति है विले पार्ला का सम्राट। सो लेट्स गो। मतलब डेकोरेशन से लेके मूर्ति तक बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छा, मतलब मैसेज भी था, पूरा थीम बनाया था स्कूल के तरह। सो मज़ा आ गया। अब चलते अपनी चौथी गणपति के पास। सो लेट्स गो है गणपति बप्पा मोरिया। अभी हम लोग पहुँचे विश्वासचा राजा देखने। भाई इसकी डेकोरेशन की बात की जाना, डेकोरेशन इस बार का बहुत ही अलग है। तो लेट्स गो, चलो आप सभी को दिखाता हूँ। तो गाइस बहुत ही लंबी लाइन है, तो ना लाइन ना मतलब इस बार डिटेलिंग आपको क्विक करता हूँ, तो पहले आप सभी को दर्शन कराता हूँ पप्पा का। तो लेट्स गो। हम लोग ने मतलब इधर का जो डेकोरेशन था वो क्विक कर लिया, पप्पा के पास सीधा आ गए। तो लेट्स गो दिखाता हूँ और मैं बता तो डेकोरेशन में क्या था। सो ये देखो, मतलब एक हॉरर ऐसा लाइन बनाया था अंदर से और ये यहाँ का पूरा डेकोरेशन थीम और ये रहे पप्पा। सो बहुत ही प्यारी मूर्ति है यार, मतलब शेषनाग देख सकते हो। अभी हम लोग पहुंच गए अपने पांचवें गणपति के पास और वो गणपति जो मैंने अभी दिखाया था शेषनाग वाली बहुत ही प्यारी थी, बट टाइम कम है इसके लिए मैं डेकोरेशन नहीं दिखाया था। अब चलते हैं अपने पांचवें गणपति के पास। तो लेट्स गो गणपति बप्पा मोरिया। जो मूर्ति देख रहे हो ना, ये है विले पार्ला चा चिंतामणि। और ये भी मूर्ति है कागज की, और देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भाई बहुत ही प्यारा लगा। अभी हम लोग पहुंच गए अपनी छठी मूर्ति के पास। और सो आपको एक चीज़ बताओ, विले पार्ला में ना ऐसे बहुत सी मूर्तियां हैं जो कि पेपर की है, और भाई मतलब बहुत ही प्यारी मूर्ति है। सो इस बार की सो अभी हमारी जो छठी मूर्ति है वो है छठा मूर्ति। तो ये रहा डेकोरेशन, तो बहुत ही अच्छा बना है, मतलब पहाड़ की तरह लुक दिया है। तो लेट्स सी, चलो चलते हैं अंदर एंड गणपति बप्पा मोरिया। तो कुछ झरने वाला लुक बनाया था, अभी देखो कुछ काम कर रहे हैं। तो चलो चलते अंदर। ओ वाओ, पूरा लुक पहाड़।
पहाड़ी के इधर आ गया है पूरा आलू। और पापा को हनुमान जी के लुक में दिया गया है। पिछले साल ना पिछले साल बाहर का थीम भी ना राम भगवान के तरह दिया था अभी वनवास वाला। सो लेट्स गो, अब चलते बाहर। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। मैं मिलता आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। एंड गणपति बप्पा मोरिया।